जीरो टू पाई, जीरो टू पाई मार्क पासेस डीएस है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, मार्क पासेस, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस एक्स होगी है। जैसे मार्क कॉस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ना, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लेकर एक जीरो से पाई बाय 2 के बीच लाइक करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से पाई बाय 2 के बीच लाइक करेगा, इसलिए इस फंक्शन की वैल्यू कॉस एक्स होगा बिटवीन 0 टू पाई, 0 से पाई बाय 2 के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद देखें, इसके बाद पाई बाय 2 से पाई तक जाएगा, पाई बाय 2 टू पाई जाएगा ना, क्योंकि आपका 0 से पाई तक जाना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फर्स्ट पार्ट है जो कि 0 से पाई बाय 2 के बीच होगा है, और एक सेकंड पार्ट है जो कि पाई बाय 2 से पाई के बीच होगा है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कर दिया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिखते हैं ना। अब चलिए इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, जीरो से पाई मार्क कॉस ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू, जीरो टू पाई बाय टू कॉस ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन होगा आपका सॉरी पहले माइनस पाई बाय टू टू पाई, पाई बाय टू टू पाई ये माइनस होगा, माइनस कर सकते डीएक्स ना। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई कॉस ऑफ एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन पाई बाय टू पाई और कॉस ऑफ एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स जीरो टू पाई है ना, जीरो टू पाई बाय टू, जीरो टू पाई बाय टू, और फिर हो जाएगा आपका माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का जो है साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स और ये मिलेगा आपका पाई बाय टू टू पाई। अब इसे वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट है ना, एक्स के प्लस पर अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, अब इसे वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा, तो जगह साइन पाई फिर माइनस साइन पाई एक्स के प्लस पर हमने क्या किया बताओ, एक्स के प्लस पर हमने अपर लिमिट रखा फिर माइनस एक्स प्लस पर लोअर लिमिट रखा, ठीक है। अब ये आगे इसको बढ़ाए क्या है, ये हो जाएगा वन, ये हो गया जीरो माइनस, ये जीरो माइनस वन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू, ये है आप माइनस, इसके बाद टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइट।